राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है नगरीय अपशिष्टों के निपटान की समस्याएं। नगरों की पर्यावरणीय समस्याओं में जल, वायु और शोर प्रदूषण तथा विषैले और खतरनाक अपशिष्टों का निपटान शामिल है। मानव मल के सुरक्षित निपटान के लिए सीवर या अन्य माध्यमों की कमी और कूड़ा कचरा संग्रहण की सेवाओं की अपर्याप्तता जल प्रदूषण को बढ़ाती है, क्योंकि असंग्रहित कूड़ा कचरा बहकर नदियों में चला जाता है। नगरीय केंद्रों और उनके आसपास संकेंद्रित औद्योगिक इकाइयों से अनेक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई हैं। औद्योगिक अपशिष्टों का नदियों में बहाया जाना जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। नगर आधारित उद्योगों और अनुपचरित मलजल से उत्पन्न प्रदूषण नीचे की ओर के नगरों में स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं पैदा करता है। नगरों में ठोस अपशिष्ट की प्रति व्यक्ति और कुल मात्रा दोनों ही बढ़ रही है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि देश के नगरीय क्षेत्रों में अपशिष्टों का जनन प्रति व्यक्ति निरंतर बढ़ रहा है। 1971 से 1997 की अवधि में ये 375 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 490 ग्राम प्रतिदिन हो गया है। अपशिष्ट जनन में वृद्धि तथा इसके साथ ही जनसंख्या वृद्धि ने अपशिष्टों की कुल मात्रा को प्रकट करने वाली संख्याओं को बहुत बढ़ा दिया है। यही नहीं, ठोस अपशिष्टों में जैव प्रक्रियाओं से सड़ने गलने वाले जैव विघटनीय पदार्थों का स्थान प्लास्टिक और अन्य कृत्रिम पदार्थ लेते जा रहे हैं, जिनके विघटन में बहुत अधिक समय लगता है। जब इस ठोस अपशिष्ट का संग्रहण और निपटान सक्षम तथा प्रभावशाली ढंग से नहीं किया जाता है, तो इस पर कुतरने वाले जीव और मक्खियां मंडराने लगते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं। ये भूमि और जल संसाधनों का प्रदूषण और ह्रास भी करता है। समय के अनुसार प्लास्टिक, कांच और धातुओं की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 20 वर्षों में प्लास्टिक में 5 गुनी वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें से अधिकतर का कोई पुनश्चक्रीय मूल्य नहीं है, अतः नगर पालिकाओं द्वारा इसका रसोई के कचरे के रूप में निपटान कर दिया जाता है।
ठोस अपशिष्टों के संग्रहण में असमर्थता एक गंभीर समस्या है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे नगरों में 90% ठोस अपशिष्ट इकट्ठा कर लिया जाता है, लेकिन अधिकतर नगरों और कस्बों में जनित अपशिष्टों के 30 से 50% भाग का संग्रहण नहीं किया जाता। सड़कों, घरों के बीच की खाली भूमि और बेकार भूमि पर इसके ढेर लग जाते हैं। ऐसे ढेर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। ये उल्लेखनीय तथ्य है कि ठोस अपशिष्टों के संग्रहण में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं दोनों कार्य कर रही हैं, लेकिन नगरीय अपशिष्टों के निपटान की समस्या अभी तक सुलझ नहीं पाई है। इन अपशिष्टों को संसाधन मानकर इनका उपयोग ऊर्जा और खाद उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए। नागरिक अधिकारियों द्वारा संग्रहित नगरपालिका के लगभग 90% अपशिष्ट अनुपचरित रूप में ही नगर या कस्बों के बाहर निम्न भूमि में डाल दिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप भारी धातुएं भौम जल में मिलकर उसे पीने अयोग्य बना देती हैं। अनुपचरित अपशिष्ट धीरे धीरे सड़ते हैं। इस सड़न की प्रक्रिया के दौरान हानिकर जैव गैसें निकलकर वायुमंडल में फैल जाती हैं। इनमें 65 से 75% तक मीथेन गैस भी होती है, जो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। कार्बन ऑक्साइड की तुलना में इस गैस में भूमंडलीय तापन की 34 गुनी क्षमता है। निष्कर्ष। वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया में मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और जैव मंडल में प्रदूषण छोड़ता है। मानव की इस प्रक्रिया का पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण करके लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण विकास के वर्तमान स्वरूप के स्वाभाविक परिणाम हैं। इनसे पर्यावरण ह्रास और प्रदूषण की गति तेज हो गई है। विगत कुछ दशकों में विकास के क्रियाकलापों ने इन समस्याओं को असाधारण रूप से गंभीर बना दिया है। आज हमें विकास के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। न तो हम विकास की उपेक्षा कर सकते हैं और न ही अपने अस्तित्व के आधार अपने आवास यानी पर्यावरण को ही मिटा सकते हैं। अब सतत पोषणीय विकास की दिशा में बढ़ना अनिवार्य हो गया है। इस विषय में गांधी जी ने जो कहा था उसे हमें सदैव याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, ये पृथ्वी प्रत्येक की आवश्यकता को पूरा करने में तो समर्थ है, पर किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकती है। ओम
अब समय आ गया है कि हम विकास संबंधी नीतियों पर पुनर्विचार करें और आवश्यकता आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करें। इसी से मानव गरीबी और पर्यावरणीय प्रदूषण की जुड़वां समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। नगरीय अपशिष्टों के निपटान की समस्याएं। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वाचक थे अमिताभ वर्मा। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।